हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरा एक अलग ही मस्ती चैनल पे तो आज हम लोग करने वाले हैं कैसेट ए का जो कि है फोटन का उसका करेंगे हम लोग सर्विसिंग और इंडोर आउटडोर सबको सर्विसिंग करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको मालूम चले किस तरह से कैसेट ए का सर्विसिंग होता है ठीक है और किस तरह का कैसेट ए होता है अगर आप नहीं देखे है तो ऐसे तो सब सबको देखा हुआ है या आपको भी पता है मुझे भी पता है फिर भी आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें किस तरह से सर्विसिंग होता है वहाँ पे जहाँ पे हम लोग सर्विसिंग कर रहे हैं वहाँ पे तीन कैसे ऐसी है तो चलिए देखिए आप लोग वीडियो को और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन को घंटी को जरूर दबाए वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो हम लोग पहले इंडोर को खोल लेते हैं और यहाँ से फिल्टर को निकाल लेंगे उसके बाद में देखेंगे फिल्टर निकल गया देखिए पहले इसको साइड कर लेते हैं और अब एक ही इंडोर यूनिट का एक ही एसी का हम लोग सर्विसिंग दिखाएंगे क्योंकि तीनों का दिखाएंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसलिए हम लोग एक ही का दिखाएंगे देख लें किस तरह से दिखता है कैसा टेसी इसका पूरी पूरा ग्रिल भी खुल के सर्विसिंग होता है लेकिन बिल्कुल नया मशीन है तो हम लोग पूरा ग्रिल को नहीं खुलेंगे ठीक है अभी फिलहाल फिल्टर वगैरह निकाल के साफ़ कर देंगे उसके बाद में ये करेंगे और देख लीजिए किस तरह से आउटडोर वगैरह भी साफ़ हम लोग करते हैं और आप भी करना चाहे तो कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको ग्रिल में जो मेला है वो सबको थोड़ा कपड़ा एक कपड़ा सूखा कपड़ा ले लीजिए सफ़ा कपड़ा कॉटन का कपड़ा ले ठीक है उससे क्लिंग कर दे पूरा बढ़िया से ताकि दिखने में अच्छा लगे और साफा भी हो जाए बढ़िया तरीके से उसके बाद में देखिए फिल्टर किस प्रकार का दिखता है वो तो हम लोग देख लेंगे देखिए मेला है तो अभी इस प्रकार का दिख रहा है ना कितना सारा मेला है देख सकते हैं आप खुद ही भी देखें तो इस प्रकार से आप ब्राश लेके इसको पहले क्लिंग कर ले उसके बाद में आप चाहे तो सर्फ़ या कोई भी लिक्विड से सफा कर सकते हैं सर्फ़ से सफ़ा कीजिए बढ़िया रहता है ख़राब होने का चांसेस भी नहीं होता है ठीक है तो पहले हाँ इस तरह इसको पूरा क्लियर कर लीजिए ताकि जो मैला है ना बाद में वो दिक्कत ना हो सफ़ा करने में पहले आप भिगो देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा तो पहले सूखा इसको क्लिन कर ले उसके बाद में अगर सिर्फ पानी से वाश करना है तो पानी से वाश कर दें नहीं तो सर्फ डाल के आप वाश करना चाहते हैं तो सर्फ से वाश कर दें ठीक है और बिल्कुल आराम से इसे क्योंकि काफ़ी कमज़ोर होता है इसका प्लास्टिक पार्ट देख रहे हैं किस कितना मैला है तो अगर आपको लगे कि ईयर कम आ रहा है आपका ए से कैसेट ए को हो उसे ईयर कम आ रहा है तो फ़िल्टर को आप क्लिंग कर सकते हैं जिससे आपका ईयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा जो थोड़ा सा आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा आएगा और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे जो भी चीज़ हो सब चीज़ का मेरा इस चैनल पे वीडियो आने वाला है तो आप लोग सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को घंटी दबा के ज़रूर रखें जिस प्रकार का जिसका सीजन जिस जैसा रहेगा उस प्रकार का मैं आपको इस चैनल पे वीडियो बना के देता रहूँगा तो इस प्रकार से हम लोग पहले इसको पूरा सफ़ा कर ले रहे हैं देख लीजिए कितना धूल मिट्टी है पूरा जाली ब्लॉक हो रखा है तो ईयर काफ़ी कम आता है अगर जाली ब्लॉक हो तो ठीक है एयर फिल्टर को आप बढ़िया से क्लिंग करके देखें आप किस तरह दिख रहा है फिर भी हम लोग इसको अब अभी ऐसे तो क्लिंक हो चुका है फिर भी हम लोग इसे वाश कर लेंगे बढ़िया से वाश करने के लिए कैसे करना है और एसी अगर लेना हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है वहाँ से जाके आप कोई भी ए सी परचेस कर सकते जो कि काफ़ी कम प्राइस में मैंने मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए एसी ऑनलाइन आप ले सकते हैं तो इसकी इस प्रकार से हम लोग वाश कर लेंगे इसको नल से अगर वाश करना है तो नल को खोल ले आराम से इस प्रकार के जिस तरह से हो रहा है वाश इस तरह कर ले या तो पानी डायरेक्ट मग से मार के भी आप वाश कर सकते हैं आप देख ले आपको सुविस्ता किस प्रकार का है जिस तरह आपको सुविस्ता मिल रहा है उस तरह आप करें बस धीरे देखें कि ये डैमेज ना हो क्योंकि इसका जो पार्ट्स होता है ना जाली का जो प्लास्टिक होता है वो काफ़ी कमजोर होते हैं तो आप ध्यान रख के करें कोई दिक्कत नहीं है बाकी देखें किस प्रकार से हो रहा है अगर किसी को भी लगता है, लगता है कि हमारे चैनल से काम सीखना है तो डायरेक्टली काम भी सीख सकते हैं थोड़ा बहुत ठीक है और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कमेंट कीजिए मैं रिप्लाई कर दूँगा अगर आपका ऐसी है ऐसी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो भी मैं आप रिप्लाई करें मैं बता दूँगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं ठीक है तो ऐसा कोई बात नहीं आप एकदम बिंदास अपना समझ के आप लोग कमेंट कीजिए मैं हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको कपड़ा से भी आप पोच सकते हैं ताकि जो पानी है वो सूख जाए और नहीं तो बस ये है जैसे मैंने झारा है वैसे हल्का हल्का आप झाड़ सकते हैं ताकि उसका जो पानी है फल्टर में वो निकल जाए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कपड़ा से ही पहुँचें ताकि उससे पानी पूरा सूख ले ठीक है तो चलिए फ़िल्टर को लगा देते हैं तो इस तरीके से हम लोग पूरा एक सूखा कपड़ा ले लें कॉटन का कपड़ा उससे बढ़िया से क्लिंग कर दें ठीक है दो टूलोकर दो लोग प्रेस करके फिर से दबाइएगा तो वो आराम से बैठ जाएगा बस बैठ गया इसको चारों तरफ से क्लिंग कर दे बढ़िया से सूखा कपड़ा से ताकि कलर इसका बरकरार रहे अगर क्लिंग होता रहता है ना सफ़ा होता रहता है तो क्या है कि आपका जो वाइट कलर है वाइट ही रहेगा नहीं तो कलर चेंज हो जाता है आप देखे होंगे काफ़ी सारा आप शुरू में स्टार्टिंग में लिए थे वाइट कलर का और बाद में येलो पे जा रहा है वो चलिए तो इसका आर्डर को क्लिंग कर लेते हैं ये जो आपको ब्लैक कलर का जो डाली दिख रहा है एक्चुअली ऊपर से तो एक प्लास्टिक का ऐसे आता है ताकि कोई चीज़ नहीं जाए उधर की तरफ रोकने के लिए उसके बाद में आपका कंडेंसिंग कोयल होता है तो क्या इसमें क्या है ऑर्डर यूनिट में कंडेंसिंग कोईल को ही क्लिन करना है और बॉडी को क्लिंग करना है बाकी अंदर का कोई पार्ट्स को क्लिन नहीं करना है जैसे मोटर हो गया मोटर पर पानी नहीं जाना चाहिए कंप्रेसर हो गया या और भी चीज़ है कंटेक्टर है उसके बाद में आपका पी है तो सब पे पानी नहीं जाना चाहिए उधर मानना ही नहीं है पानी बिल्कुल आप आराम से यहाँ पे पानी को एक पाइप ले ले पाइप से क्लीन कर दे नहीं तो बाल्टीन से पानी ले ले मग से क्लीन कर ले उससे भी होता है ज़्यादा अगर मैला होता है तो हम लोग इसका एक जो ग्रिल है वो खोल के बढ़िया से क्लीन कर देते हैं लेकिन बिल्कुल एक दो साल का ही मशीन है तो हम लोग इसको पूरा खोलेंगे नहीं क्योंकि जब मैला नहीं है तो खोल के फायदा नहीं है ठीक है इस तरह से देखिए किस तरह से वॉश हो रहा है बिल्कुल इस तरह से पाइप ले ले पाइप लेके आराम से मर कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी करना है आपको क्लिंग तो भी आप देख के रखें ताकि कोई टेक्नीशियन आए तो उसे बोल के इस तरह से आप सर्विस करवा सकते हैं कि हाँ वो टेक्नीशियन को बोलिएगा तो खुद ही चेक कर लेगा जाके कि कंडेंसिंग ऑयल मैला है कि नहीं अगर मैला नहीं है तो क्लिन करवा के फायदा नहीं है वो खुद ही बता देगा ठीक है और एक क्लिंग करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता पाँच मिनट भी नहीं लगता है ठीक है अगर थोड़ा बहुत मैला है तो हाँ बॉडी थोड़ा खुलता है तो आधा घंटा के आसपास टाइम लग जाता है ठीक है इस प्रकार से इसका बॉडी को देख ले कि इस प्रकार से क्लिंग हम लोग कर रहे हैं ठीक है ताकि जंग ना लगे क्लिंग रहेगा क्लियर रहेगा तो स्टैंड में जंग नहीं लगेगा तो गिरने का चांस कम रहेगा टूटने का और थोड़ा सा हम लोग इसका अंदर की तरफ भी पानी मार देंगे थोड़ा बहुत जो बॉडी के अंदर नीचे जो मैला होगा वो निकल जाए और काफ़ी वीडियो मैं बनाता रहूता हूँ तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कर रखें और घंटी तो है उससे प्रेस करें प्रेस करने के बाद में ऑल का नोटिफिकेशन आएगा उसे सेलेक्ट कर ले ताकि मेरा जो भी वीडियो मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे इस तरह से बॉडी को क्लिन कर दे ताकि पूरा क्लियर दिखाई दे और जंग ना लगे मेन किसी भी चीज़ का बॉडी है बॉडी जब तक सलामत है तब तक आप उसका पार्ट्स अंदर का तो चेंज करते रहेंगे ठीक है जब बाहर का बॉडी ख़राब हो जाएगा तो फिर अंदर का पार्ट्स क्या चेंज करेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक मेरे आपको पता ही क्या करना है